दलित शोषण मुक्ति मंच उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में मंच के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को भेजा। ज्ञापन में कहा गया कि सरकार पत्र में प्रकाशित उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय की ओर ध्यान आकर्षित करना है, जिसके द्वारा प्रदेश सरकार को अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के लिए व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश पर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ण के लिए इंटरमीडिएट परीक्षा में 60% अंकों की अनिवार्यता एक तुगलकी फरमान साबित हो रहा है। इसलिए ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि यह आदेश भारतीय संविधान की मूल भावना की अवमानना है और दलित अधिकारों पर सीधा हमला है। दलित वर्गों को सामाजिक सुरक्षा व शिक्षा का अधिकार प्रदान करने के लिए शुल्क रहित शिक्षा छात्रवृत्ति की व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के इस निरंकुश फैसले से इस वर्ग के छात्रों को शिक्षा से न केवल वंचित होना पड़ेगा बल्कि गांधी नेहरू अम्बेडकर के द्वारा स्थापित दलित और वंचितों को जीवन स्तर उठाकर उन्हें समानताएं बराबरी का अधिकार प्रदान करने का सपना चकनाचूर हो जाएंगे। ये जो शिक्षा योगी सरकार की कैबिनेट का एक फैसला आया है कि दलित विद्यार्थियों के लिए अगर वो प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन्हें 60 इंटरमीडिएट में 7% अंक लाना अनिवार्य होगा, तभी उन्हें उनकी फीस भरी जाएगी और तभी उनको छात्रवृत्ति दी जाएगी। सरकार के इस फैसले से दलित छात्रों को शिक्षा का अधिकार छिन जाएगा और पूरे दलित समाज पर कुठाराघात होगा, और ये सरकार का पहला कदम है। ये प्रयास करके देख रही है सरकार के इस तरह, पहले हल्का हमला करो फिर बड़ा हमला करेंगे, यानी दलितों को उनके अधिकारों से वंचित करने की पूरी साजिश है। हम इस साजिश का विरोध करते हैं, इसके लिए हम आखिर तक पूरे देश और प्रदेश में पूरे तन्मयता और उसके साथ सड़कों पर उतरेंगे और लड़ेंगे। ये हमारा निर्णय है और हम सरकार से कहते हैं कि ये सरकार इस कदम को वापस ले, अन्यथा इस देश का दलित, इस प्रदेश का दलित बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा।